हेलो फ्रेंड्स, तो आ गए मैं एक और न्यू वीडियो के साथ। यार रिंकू सिंह के एपिसोड नंबर 41 होने वाला है। तो जैसा कि इस टाइम पे आप मेरे स्कोर देख ही सकते हो, यार 25,700 से भी ज़्यादा स्कोर हो गया है। और करंट रैंकिंग को तो ये लोग दिखा ही नहीं रहे भाई। ये चीज़ काफ़ी गलत क्या है यार अपडेट के बाद इन लोगों ने, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है भाई। कम से कम जो बंदा ग्रांड मास्टर में, उसको पता तो चलना चाहिए एटलीस्ट कि वो कितने नंबर पे चल रहा है। अब ऐसा आइडिया इन लोगों के कौन देता है, मेरे को नहीं पता भाई। क्या सोच के इन लोगों ने ये चीज़ हटाया है भाई। यार अभी आप लोग ही कमेंट करके बताओ कि ये चीज हटा के इन लोगों ने सही किया या फिर गलत किया। यार कमेंट करके जरूर से बताना मेरे को। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली यार मैच जो है स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं स्क्वाड में खेल रहा हूं और मैंने कर लिया है अनफॉलो, क्योंकि मैं सोलो जाने वाला हूं, वो भी पीक के साइड। अब मैं ऐसा ही करके खेलता हूं भाई, मतलब अकेले अकेले जा जा कर खेलता हूं, अकेले उतरता हूं टीममेट से, बिल्कुल अकेले उतरता हूँ। मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने जाता हूँ। अभी मैं पिक के साइड देखता हूँ यार कितने बंदे आते हैं, कितना किल कर पाते हैं या फिर अपना किल देकर आते हैं दूसरों को। तो फिर ऐसे होगा तो फिर गलत हो जाएगा भाई, टीममेट को बोलना पड़ेगा फिर अपने को रिवाइव करो करके। तो इधर देखो, मैं मल्टी विंडो की तरफ जाने वाला तो था लेकिन वहाँ तक जा नहीं सकता। मैं ज़्यादातर पिक में उतरता हूँ तो मल्टी विंडो में ही उतरता हूँ, वो घर मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर एक बंदा उतर रहा था, मेरे को MP5 मिल चुका था, तो यहाँ पर इसको मैंने डाउन कर दिया। देन ये वाला गन जो क्या नाम है पता नहीं मेरे को, जो छोड़ो यार, इससे मैंने फिनिश कर दिया। तो अभी फ़िलहाल मेरा तो खाता तो खुल चुका था, एक किल मेरा हो चुका था। अभी मेरे को थोड़ा सा और लूट वगैरह करना है, इसी घर को मैं लूट करूंगा। देन यहाँ से जो भी मिलेगा वो सब उठाकर मैं बंदे मारने के लिए जाऊंगा। अब मेरा पुअर इंटरनेट कनेक्शन करके नोटिफिकेशन आ रहा है यार, पिंग हाई जा रहा था, अभी थोड़ा ठीक हो चुका है। तो मेरे को कोई दूसरा गन नहीं मिल रहा है यार। तो इधर से मैं नीचे की तरफ आ चुका था और इधर एल सेप को लूट वगैरह कर रहा था, तभी मेरे को अचानक से फुटस्टेप आता है एक बंदे का। अब ये बंदा मेरे पे मैग लेकर चढ़ गया भाई, मेरे पास एक लेवल का ही वेस्ट था। ये बंदा मेरे को डाउन कर दिया, देन फिनिश भी कर दिया। तो एक बार तो मैं मर चुका था, टीममेट एक बार तो रिवाइव कर ही सकते हैं भाई। तो यहाँ पर देखते हैं अभी अपने को कब तक रिवाइव मिल पाता है। तो फाइनली मेरे को रिवाइव तो मिल चुका था, मैं इधर कार्टोलिस्ट वॉप पे उतर रहा था, यहाँ पर ब्लू जोन बना हुआ था। तो अभी यहाँ पर देखना यार क्या सीन होता है, यहाँ से मेरे को अच्छा खासा लूट मिल जाता है एक लूट बॉक्स से, और प्लेसर उधर डाउन हो जाता है, यहाँ तक कि चार वाल भी मिल गया है भाई। अब पता नहीं कौन बंदे इसको मारा था और कि मतलब वाल वगैरह छोड़ दिया था मेरे लिए बेचारा जो है वो। अब यहाँ पर एक बंदा मेरे को ऊपर में दिखा भाई, तो इसको मैंने डाउन कर दिया। क्रोनो जला तो दिया था इसने, लेकिन गलती से ये बंदा नीचे की ओर कूद गया है भाई, मतलब क्रोनो जला के। तो अभी देखो अपने दो टीममेट उधर डाउन हो चुके हैं, मतलब उधर अच्छा खासा बंदा है यार, मतलब अपने दो टीममेट को डाउन कर दिया है उसने। तो अभी हम दो ही लोग बचे हैं भाई, अपने दो टीममेट तो टपक चुके हैं। अभी देखते हैं इनको रिवाइव कब तक मिल पाता है। मतलब अभी बंदा तो दिख रहा है मेरे को, यहाँ पर देखो यार गैरेज में एक बंदा है, तो मेरे से रहा नहीं जा रहा था। तो सुमित को बोला कि मैं जा रहा हूँ रस करने के लिए, इधर से जब निकलेगा तो तुम मार देना करके। तो यहाँ से मैं देखा तो वो बंदा इधर था ही नहीं भाई, वो इधर की ओर चला गया था, मतलब भाग रहा था वो। अब इधर एक और बंदा आ चुका था, तो इसको मैं जो है UMP से बॉडी बॉडी से डाउन कर देता हूँ। मेरे को डर लग रहा है भाई, वेस्ट नहीं है, कितना डैमेज कर दिया भाई इस बंदे ने मेरे को। 3 के हेल्थ से बचा था मैं जो है वो। तो यहाँ पर मैं मेडी वगैरह करता हूँ आराम से, देन यहाँ पर आगे की ओर बढ़ता हूँ। मेरा 225 का हेल्थ था यार, इसलिए मैं बच गया। मतलब शायद तक 225 का नहीं, हाँ 225 का हेल्थ था उस टाइम पे शायद, तो इसलिए मैं बच गया था उस टाइम पे। अब वेस्ट नहीं है यार, वेस्ट नहीं रहता तो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। अब सुमित का मोको आ रहा था इसी साइड से, मतलब इस साइड एक बंदा आया है, तो यहाँ पर वाल लगा है भाई फैंस के पीछे, मतलब बंदा भी है वहाँ पर, बंदा है लेकिन यहाँ से यहाँ रहता तो उसको मैं इजीली मार दिया रहता वाल के पीछे रहता तो। लेकिन ये बंदा एल सेप की तरफ चला गया है, अभी चलते हैं इसके पीछे पीछे। अब सुमित का फिर से जो है मोको आ जाता है उस बंदे पे, तो मैं डायरेक्ट उसके पीछे पीछे भाग रहा था यार, लेकिन वो बंदा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने में एक और बंदा आ जाता है, जिस बंदे को मैं मारा था उसको लूट कर रहा था वो बंदा, तो उस वाले बंदे को तो मैंने डाउन कर दिया। अब सामने मेरे को एक और बंदा दिखा भाई, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया, तो दोबारा फायर किया तो हुआ ही नहीं भाई, जब स्कोप करके फायर किया तो। अब ये सीन क्यों हो रहा है मैं बता रहा हूँ आपको।
मैं खेल रहा हूँ हेडफोन लगाकर वायर वाला, ठीक है। मेरे को आदत नहीं है हेडफोन लगा के खेलने का, तो बहुत ज़्यादा मेरे को अभी दिक्कत आ रहा है, लेकिन एक बार जब हाथ सेट हो जाएगा ना भाई, इतना अच्छा गेम प्ले जाएगा कि क्या बताऊँ। मैं हेडफोन लगा कर पहले मैं नहीं खेलता था, तो मेरे को लगा कि मेरे को नहीं हेडफोन लगा के खेलना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलता है इससे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मेरे को दिक्कत आ रहा है हेडफोन जब लगा के खेल रहा हूँ तो। हाथ सेट नहीं है भाई, उंगलियों को थोड़ा इधर उधर करना पड़ रहा है, कभी कभी फायर बटन क्लिक नहीं होता, तो कभी कभी स्कोप नहीं खुलता, तो कभी कभी वाल भी नहीं लगता भाई, थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा भी दिक्कत आ रहा है। फिर भी मैं उसके बावजूद भी मैं हेडफोन लगा कर खेल रहा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर नहीं लगेगा, अभी लगेगा 2-4 दिन 1 वीक, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा, तो फिर हाथ सेट हो जाएगा, तो फिर अच्छे से गेम प्ले जाने लगेगा। अब यहाँ पर देखो एक बंदा को मैंने डाउन कर दिया, पीछे से एक बंदा ग्रीन क्रिमिनल है भाई, तो ये बंदा मेरे को डैमेज कर रहा था, तो मैंने एक वाल लगा लिया यहाँ पर भी। अब मेरे पास 0 वाल है यार इस टाइम पे, इसको मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया भाई इस टाइम पे, ये बंदा कवर छोड़ दिया तो इसको मैंने डाउन कर दिया बॉडी बॉडी से ही। अब एक बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, ये बैठे बैठे शायद तक मशरूम खा रहा है, तो इसको भी मैंने डाउन कर दिया। मतलब बंदे को कुछ डर ही नहीं है भाई, सामने फाइट चल रहा है, इसको मशरूम खाना है यार बैठ के, क्या बोलूँ भाई ऐसे बंदों को मैं। अब सामने एक और बंदा दिखा जिसको मैंने 2 हेड मारा यार, लेकिन बॉडी शॉट के साथ मेरे को किल मिल चुका था इस टाइम पे। अब हम क्या ही कर सकते हैं भाई, जब किस्मत में ही नहीं लिखा है हेड शॉट के साथ किल मिलना, तो फिर क्या बात करें यार, छोड़ो अब रहने दो। यहाँ पर देखो मेरा 7 किल हो चुका है फिलहाल, यहाँ पर मेरे को 4 किल मिला यार, 3 किल था पहले, अब यहाँ पर मैंने 4 किल निकाले। सामने मेरे को एक और बंदा दिख रहा है यार, तो इसको भी मैंने डाउन कर दिया, और पीछे देखो पीछे भी फाइट चल रहा है, जोन के बाहर में एक बंदा रिवाइव कर रहा है रिवाइवल पॉइंट से। अब उस पर इसलिए मैं रश करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास है टोकन, अपने 2 टीममेट टपक चुके हैं, उनको भी रिवाइव करना है मेरे को, तो उन पर मैं रश करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो उधर ही जाता भाई। तो इनको फाइनली हम लोगों ने रिवाइव तो कर दिया था, मेरा 8 किल भी हो चुका था। अब कैटलिस्ट हुआ की तरफ फिर से बंदे आ चुके थे यार, इतना मतलब कहाँ से इतने बंदे आ गए यार यहाँ पर, मेरे को खुद को नहीं पता। तो वहाँ पर ऊपर पत्थर पे एक बंदा था, उसको मैंने डाउन कर दिया था, तो फिर चलते हैं अभी उसको फिनिश करते हैं, देन मेरा 9 किल होने वाला है, 8 किल तो फिलहाल के लिए मेरा हो ही चुका है। अब फ्लेशर बोल रहा है वहाँ पर ही नेमी है, लेकिन उसको तो मैंने पहले से ही डाउन कर दिया है भाई पत्थर वाले बंदे को। तो यहाँ पर अपना मैं किल कंफर्म करने के लिए जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जब आकर देखा ना भाई, इसका पेटी बना हुआ देखा, तो मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था यार, मेरा बहुत किल चोरी होता है भाई ऐसे में, मतलब जिस बंदे को मैं डाउन किया हूँ यार, उसको कोई और मार देता है भाई। अब टीममेट का किल चोरी थोड़ा बहुत सह भी लेता हूँ मैं, लेकिन जब इनेमी किल चोरी करता है ना भाई, मतलब डाउन, हम इतना मेहनत करके बंदे को डाउन किए रहते हैं, ऊपर से उसका किल कोई और ले जाता है, तो ऐसे सिचुएशन पे मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है भाई। अब ऐसा मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब जिस बंदे को मैं डाउन किया रहता हूँ उसको कोई और फिनिश कर देता है। अब ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं, मेरे को ज़रूर से कमेंट करके बताना। अब यहाँ पर देखो 2 बंदे को मैं डाउन किया था, लेकिन दोनों बंदों को कोई और क्लियर किया, मतलब गाड़ी से उसने उड़ा दिया दोनों बंदों को। अगर ऐसे में भी कि मतलब एनिमी को किल जाता, तो यहाँ पर भी मेरा 2 किल चोरी होने वाला था, लेकिन गाड़ी से डाउन बंदे को जब ठोकोगे तो वो जिसने डाउन किया है उसको ही किल मिलता है, ये चीज़ काफ़ी सही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मेरा फिर से 2 किल चोरी होने वाला था। अब इधर मैं जा ही रहा था, तभी मेरे को पीछे से गाड़ी का साउंड आता है, तो भाई इधर मैं वाल लगा लेता हूँ, लेकिन गाड़ी जो है काफ़ी दूर में रहता है, तो देन इस पर फिर से फायर करके फिर से वाल लगा देता हूँ। कई बंदे गाड़ी से ठुक जाते हैं भाई, मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, कैसे भाई, मतलब ध्यान देकर खेलना चाहिए ना। मैं लाइव स्ट्रीम भी करता रहता हूँ, तो कई बंदे मतलब गाड़ी से ठुक ठुक जाते हैं भाई, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है उन बंदों पर, क्या ही बोलूँ मैं। मतलब ध्यान देके खेलना चाहिए भाई, आगे पीछे मिनी मैप को देखकर खेलो, गाड़ी आ रहा है कि नहीं, आवाज़ रीड करो, मतलब साउंड को रीड करो गाड़ी का, तो फिर थोड़ा देर ध्यान से खेला करो यार। तो अभी देखो एक बंदा अपना डाउन हो चुका है, तो उसको मेरे को रिवाइव भी करना है, तो इसको फिलहाल तो मैंने रिवाइव कर भी दिया है, 1-4 का वेस्ट भी परचेस कर लिया। अब उधर से मैं डायरेक्ट क्लॉक टावर की तरफ आ चुका था, बंदे ढूंढने का मैं काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहा था, काफ़ी देर से ढूंढ रहा था, लेकिन मेरे को बंदे ही नहीं मिल रहे थे भाई। अब फ्लेशर जो है सामने की तरफ जो है वो डाउन हो जाता है, तो इस टाइम पे मेरा किल पे तो ध्यान ही नहीं है यार, 12 किल कर लिया है मैंने।
अब फ्लेसर को जिस बंदे ने मारा उसका नाम था ओपी अशोक, और इस बंदे को मैं ऑलरेडी एक बार मार चुका हूँ। जहाँ पर मैंने वहाँ पर जो पेड़ के पास दो बंदे डाउन किए थे ना उस टाइम पे M40 से, जिसका किल मेरे को वो गाड़ी वाला बंदा दिलाया, इनेमी ने दिलाया समझ लो, तो उसमें से एक बंदा का नाम ही ओपी अशोक था। अगर आपने किल पेड पे ध्यान दिया होगा तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर देखो एक बंदा को मैंने डाउन करके फिनिश भी कर दिया, और नीचे कितना फाइट चल रहा है भाई, यहाँ पर देखो कितना गंदा फाइट चल रहा है यार। एक बंदा ने एक कवर को उड़ा दिया था, दो बंदे तीन बंदे थे शायद यहाँ तक, पर मेरे को नहीं पता यार जितने भी बंदे होंगे, लेकिन एक बंदे का तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मैंने उड़ा दिया था। अभी देखो मैं अकेला बचा हूँ, अपने टीममेट सारे के सारे टपक चुके हैं, तो अभी मेरा फिलहाल के लिए 14 किल हो चुका है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने किल कर लिया है। अभी मेरे को छोड़कर बस दो ही बंदे और बचे यार। यहाँ पर सुमित का फाइट चल रहा था, सुमित को किसी और ने मारा था यहाँ पर, तो हो सकता है वाल के पीछे बंदा होगा, तो सीधे सीधे हम नहीं जाएंगे भाई। यहाँ पर देखो एक बंदे ने M10 से किसी को मार दिया था, और इस वाले बंदे को मैंने मार दिया, इसका नाम OP अशोक था, और इस वाले बंदे को मैंने सेकेंड टाइम मारा और मार के इसको बुइया लिया। तो फाइनली इस वाले गेम में अपने को मिल चुका था भैया, और मेरा शायद तक 15 किल था यार। जितना भी किल होगा लास्ट में आपको देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो मेरा 15 किल था आई थिंक, तो 14 पहले था उसके बाद लास्ट में एक किल किया, मतलब 15 किल था इस वाले मैच में। तो अभी देखते हैं कितना हमको प्लस मिलता है। सबको पता है भाई मेरे को पूरा प्लस मिलेगा, 52 का प्लस मिल चुका था और 15 किल था मेरा। तो फिर यही था आज का वीडियो, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको दिल से धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।